हाँ जी महादेव सीरियल दिखा रहे ना देव के देव महादेव तो उसमें तीसरा नेत्र नहीं दिखाते शंकर जी को। अच्छा अभी खोला नहीं होगा है? आपकी इच्छा है खुल जाए बंद रहे कि खुल जाए है? आप क्या चाहते हैं? तीसरा नेत्र बंद रहना अच्छा है आपके लिए, ये खुल जाए वो अच्छा है, है? खुल जाए, खुल जाए तो क्या होगा? तीसरा नेत्र खुल जाता है तो खास किसका नुकसान हो जाता है, हैं? अरे सामने वाला भी कोई है प्रसिद्ध? कोई नहीं। अरे शास्त्र में कौन प्रसिद्ध है? कामदेव है जो कामना देता है, है? विकारों में सबसे बड़ा विकार कौन सा है? बड़ी कामना रहती है तो खलास कर रही है, है? के कभी आ गया और थोड़ी चाह है, है? खत्म करनी है। बाबा पूछते आज वाणी में दिल से कहो, बाहर के मुख से नहीं। और मेरी पार्टी वाई क्राफ्ट सेंटर है। मैं सन 1983 से बीते में ट्रेनिंग लिया और करीब 27-28 साल बीते में रहा। हाँ 2012 में कोर्स किया एडवांस कोर्स और 2013 में भी किया। दो बार क्यों किया? कितना है? 28 साल बीके में रहके ज्ञान नहीं मिला, उतना ये 2 साल में ज्ञान मिला। इसका मतलब हमारा नुकसान हो गया, ज्ञान से हम वंचित रहे असली ज्ञान से, इसका जवाबदार कौन? भक्ति, भक्ति। अरे जवाब तो ले लो, जवाब तो ले लो। भक्तों की भक्ति 2500 साल चली और ज्ञान कितना टाइम लिया? बहुत थोड़ा समय। तो अगर भक्त कहे कि क्या 2500 साल हमने फालतू भक्ति की तो ठीक होगा? नहीं। बाबा कहते जिसने जितनी जास्ती भक्ति की है वो उतना जास्ती ज्ञान उठाएगा, जिसने आदि में भक्ति की है सात्विक सतो प्रधान वो ज्ञान भी सतो प्रधान उठाएगा। तो भक्ति फाउंडेशन है, भक्ति के आधार पर ही ज्ञान मिलता है। समय व्यर्थ कुछ नहीं गया, क्योंकि आत्मा में हर एक की आत्मा में 5000 वर्ष के पार्ट भरे हुए हैं।
जब ऑलरेडी भरे हुए हैं तो व्यर्थ तो कुछ जाना ही नहीं है। इसलिए दुखी होने की कोई बात नहीं कि हमारा लंबा टाइम व्यर्थ चला गया। हाँ, और ब्रह्म कुमारी आप डर बताती थी कि शंकर पार्टी में आप जाना नहीं है, शंकर पार्टी बहुत खराब है, शंकर पार्टी बोगस है, और वास्तविक तो शंकर पार्टी में क्या नहीं, वही बोगस है, उन्होंने हमको मिसगाइड किया उन्होंने। लेकिन ये बात आप यहाँ क्यों सुना रहे हैं? ये बात उनके सामने सुनाई क्या? सामने सुनाई। हाँ, शंकर पार्टी में आने के बाद राज सेंटर में फिर उनको मालूम पड़ा, फिर मैं करार सेंटर में गया तो बोले तो हमारे यहाँ आना नहीं, ये करना, मतलब उनको टाइम देता हूँ एक दो घंटे का, मैं पुलिस डिपार्टमेंट का आदमी डीवाई स्पीकर के रिटायर हुआ है, तुम जो है तुम्हारा सामना से और बाहर हो जाओ, उसको सील लगा कर दिखा देता हूँ, तुम्हारे अकेले का नहीं है ये। तब वो सब डर गए, फिर जो हुआ अच्छा हुआ। ठीक है, और आगे है। इस ज्ञान की शुरुआत सन 1936 में से हुई ऐसा बताया है, लेकिन पक्का तारीख पक्का दिन और महीना क्यों नहीं? न तो एडवांस का पक्का दिन हुआ, पक्का तारीख हुई, न बेसिक ज्ञान का पक्का दिन हुआ, पक्की तारीख हुई। पक्का दिन और पक्की तारीख बाबा ने इशारा दे दिया है, नए कल्प की शुरुआत होगी तो संबत 1111 कहा जाएगा, वो ही पक्की तारीख है, वो ही पक्का दिन होगा। इसलिए ये तो बुद्धि में बैठ जाना चाहिए कि जब तक परिपक्वता नहीं आती है तब तक फिक्स टाइम नहीं किया जा सकता, फिक्स दिन भी नहीं निकलेगा, और वो दिन वो घड़ी वो तारीख है किस आत्मा के ऊपर आधारित है, परिपक्वता की है। हाँ, जो नई सृष्टि का पहला पत्ता है उस पहले पत्ते के ऊपर आधारित है, वो पहला पत्ता परिपक्व बनेगा और दिन तारीख और घड़ी निश्चित हो जाएगी। और मुरली ने बताया है भारत खंड भारत देश अविनाशी है, परमात्मा का अवतरण का देश है और पवित्र खंड है, फिर भी बाहर वाले मुस्लिम और क्रिश्चियन भारत पर आकर अन्याय क्यों करते हैं? हर युग में हर कल्प में ऐसा ही होगा क्या? हम पर अन्याय ही होगा क्या? अन्याय इसलिए करते हैं कि जब भगवान आ जाता है तो आने के बाद भी जो भारतवासी बच्चे हैं उन्हें तुरंत सचेत हो जाना चाहिए ताकि दुनिया वालों की आंखें खुलें कि वाकई भगवान आ गया है, लेकिन भारत के बच्चे
ये देश वीर जवानों का, लबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो क्या कहना। 78 साल पूरे होने जा रहे, बाबा की पढ़ाई अभी भी चालू है, 78 साल में भी आंखें नहीं खुली हैं, अलबेलापन चालू है। इसलिए उन मुस्लिम क्रिश्चियन धर्म वालों को गुस्सा आता है, है? इन्होंने ऐसा अलबेलापन क्यों किया, हम तो अलर्ट रहेंगे। इसलिए देखने में आता है कि टाइम के ऊपर ज्यादा अटेंशन विदेशियों का रहता है या भारतवासियों का रहता है। लेट लतीफ कौन होते हैं, है? भारतवासी लेट लतीफ होते हैं और विदेशी आज भी अलर्ट रहते हैं। बहुत थोड़ा टाइम हमको मिला है और जो बहुत थोड़ा टाइम हमको मिला है ये नलबेले भारतवासियों के कारण मिला है। गीता शास्त्र व्यास ने लिखा है और शंकराचार्य ने लिखा है, माधवाचार्य ने लिखा है। नहीं नहीं उनके लिखाई में नहीं 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 शंकराचार्य ने, माधवाचार्य ने, टैगोर ने, गांधी ने, राधा कृष्णन ने जो गीता लिखी है वो श्लोक तो वही ज्ञान व्यास के लिखे हुए हैं, लेकिन व्याख्या अलग अलग की है अपने अपने तरीके से। 108 दफा टीका उसके ऊपर हो गई है और उससे भी ज्यादा। हाँ उन्होंने ऐसी गीता लिखी है एक मेक से मिलती जुलती नहीं है और उन्हीं के विद्वानों के कारण ही नुकसान हुआ है, सर्वव्यापी भगवान विद्वानों ने ही बनाया। हाँ ऐसा कि कल्प में ऐसा ही होगा, कल्प में ऐसा ही होगा कि जो विद्वान पंडित आचार्य हैं भारत के वो ही दूसरों की आंखें बंद करेंगे। जो श्लोक लिखे थे गीता के, गीता बनाई गई थी वो तो सात्यकी के युग में बनाई गई, ठीक द्वापर के आदि में। द्वापर उस समय सतो प्रधान था तो उस समय जो कवि हुआ वो भी सात्विक था। जो भी श्लोक गीता के लिखे पहली पहली बार शास्त्र बनाया वो सर्वशास्त्र शिरोमणि कहा गया। और उस समय के भारतवासी मनुष्य भी देवताई संस्कारों के नजदीक थे। क्योंकि देवयुग जल्दी समाप्त हुआ था, विदेशियों का आना शुरू हो पाया, ज्यादा असर नहीं पड़ा। लेकिन बाद में वो कवि नहीं रहा, शरीर छोड़ दिया। शरीर छूट गया तो जो परवर्ती विद्वान आए, जो शिष्य आए, समय बीतने के कारण सतो प्रधान ही रहे या नीचे गिरते गए? सतो प्रधान सा से रजो प्रधान और तमो प्रधान होते गए और मनसा के तमो प्रधान होने के कारण उन्होंने टीकाएं विकृत कर दी।
टीकाओं में विकारी व्याख्या घुस गई। सबसे बड़ा विकार क्या हुआ है? गीता शास्त्र में सबसे बड़ा विकार क्या घुस गया है? गीता का भगवान कृष्ण है। जो पहला पत्ता पहले सत्व प्रधान बनता है वो ही पहला पत्ता पहले देहभान में आ गया। और गीता का भगवान स्वयं को समझने लगा। बस फिर क्या था? यत यत आचरति श्रेष्ठ तत् तत् देवेतरो जन। श्रेष्ठ जैसा आचरण करते हैं बाद वाले उनका ही अनुकरण करते हैं। तो साहब की बुद्धि में बैठ गया कि भगवान कोई एक व्यापी नहीं है, कृष्ण में भी व्यापी है, राम में भी व्यापी है, शंकराचार्य में भी व्यापी है, मेरे में है, तेरे में है। और इस व्यक्ति इस सर्वव्यापी की व्याख्या ने साहब की बुद्धि को भ्रमित कर दिया। एक व्यापी रहा होता तो सब की बुद्धि एकाग्र रही होती, और सर्वव्यापी होने से समझने से सबकी बुद्धि बिखर गई। ये ड्रामा में नुदा हुआ है। आगे ज्ञान में बताया है भगवान परमात्मा परमात्मा सर्वशक्तिवान है, परमात्मा का स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, परमात्मा का ठिकाना है परमधाम। और परमात्मा ऐसे भी बोलता है कि माया भी सर्वशक्तिवान है, माया रूपी रावण भी शक्तिवान है। माया रूपी रावण शक्तिवान कैसे हो सकता है जब परमात्मा माया रूपी रावण कुछ चीज नहीं है, सिर्फ कमजोरी है। लेकिन जिसके चित्र होते हैं शास्त्रों में, जिनके चित्र मिल रहे हैं पुरानी पुरानी गुफाओं में, चित्रकारों ने जो चित्रकारी की है वो चित्र चरित्र को साबित करते हैं या नहीं करते हैं? है? रावण के 10 सिर हैं तो नंबरवार वैसा चरित्र करने वाले भी कोई होंगे या नहीं होंगे? कोई के आसुरी चित्र मिलते हैं, राक्षसी चित्र मिलते हैं, और कोई के देवतुल्य चित्र मिलते हैं। देवताई गुणों को धारण किया है, जैसे आज अव्यक्त वाणी में आया, कुछ धारण करो और जो अनुचित है उसका त्याग करो। तो जिन्होंने अच्छाई को धारण किया वो देवता बने, और जिन्होंने ध्यान नहीं दिया अलबेले बने रहे। उनके राक्षसी चेहरे बन गए। ये पुरुषार्थ के ऊपर है। सबका पुरुषार्थ एक जैसा हो सकता है? है? नहीं हो सकता। टीचर है, गुरु है, शिक्षा देता है, सब एक जैसी शिक्षा लेंगे क्या? लेंगे? नहीं।
कोई अच्छे स्टूडेंट होते हैं, टीचर की पढ़ाई को अच्छे से हप कर लेते हैं, तो वो ही 16 कला संपूर्ण आत्माएं, पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्माएं, पक्की पक्की आत्मिक स्थिति को धारण करने वाली आत्माएं, बाप जो धर्म स्थापन करता है अव्वल नंबर धर्म, क्योंकि अल्लाह है ही अव्वल नंबर ऊंचाई में, तो अल्लाह का अव्वल दीन उस धर्म में आने वाले 500-700 करोड़ तो नहीं बनेंगे, बनेंगे तो वो अव्वल नंबर के बच्चे हैं जो 84 जन्म पूरे लेने के कारण पक्की आत्मिक स्थिति वाले हैं, पास हैं, फेलियर नहीं है आत्मिक स्थिति में। और ज्ञानी भी हैं, क्योंकि बोला है जो पहले पहले जन्म की प्रजा होगी उसकी भी कोई खासियत होगी या नहीं होगी, है क्या खासियत होगी? ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं तो ज्ञान की रोशनी उनमें होगी या नहीं होगी, उनकी यादगार है आसमान में 9 लाख सितारे, वो 9 लाख सितारे सारी दुनिया को नंबरवार रोशनी देते हैं, वो जड़ सितारे हैं। और ये अल्लाह अव्वल दीन अव्वल नंबर धर्म में आने वाले कैसे सितारे, धरती के चैतन्य सितारे हैं, बाकी सब नंबरवार धर्मों में जाने वाले हैं। इसलिए ये अंतर हो जाता है, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, ऐसा क्यों हो जाता है। और आगे मुरली में बताया है कि आयुष्य विद्वान ने लंबी चौड़ी लिख दिए है, क्या बोला, लाखों सृष्टि के आयुष्य, किसी की आयुष्य, और बताया है वो देवताओं का एक दिन को 365 दिन से मल्टीप्लाई करके गिना गया है, तो असली कहां से गिनना है? सब शास्त्रों में एक जैसी बात नहीं है, शास्त्र अनेक हैं, और शास्त्र लिखने वाले नंबरवार सात्विक राजसी और तामसी बुद्धि है, तो सात्विक बुद्धि से ऐसा शास्त्र भी लिखा हुआ मिलता है जिसमें चारों युगों की आयु 1250 वर्ष बताइए, बाकी शास्त्रों में अगड़म बगड़म कर दिया। ऐसा पता है देवताओं का एक दिन, हाँ वो जो जो वो मल्टीप्लाई किया है ना, हाँ। वो इसलिए किया है, हाँ। कि दुख में समय लंबा हो जाता है या छोटा हो जाता है, तो जिन्होंने शास्त्र लिखे हैं तामसी स्टेज में, दुख में ही स्टेज में, उनके लिए समय लंबा होगा, लंबा अनुभव होगा या छोटा अनुभव होगा, तो उन्होंने लिख दिया जैसा अनुभव किया, इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ बाबा, हाँ शास्त्रकारों ने जो शिवशंकर भोलेनाथ का जो
शास्त्रकार ने जो शिवशंकर भोजनाथ का चित्र बताया है वो चरित्र की यादगार त्रिमूर्ति ने वो शंकर को यादगार नहीं दिखाए। त्रिमूर्ति में जो भी यादगार दिखाई है वो संपन्नता की यादगार दिखाई है। बाबा जी आप बैठ जाइए, क्यों खड़े खड़े थक जाएंगे। संपन्नता की यादगार दिखाई है या अधूरी स्टेज की यादगार दिखाई है? हैं? संपन्नता की यादगार दिखाई है। ब्रह्मा को कपड़े हैं, साधारण कपड़े हैं या विष्णु की तरह विशेष कपड़े हैं? साधारण कपड़े हैं। और शंकर को कपड़े नहीं है। कपड़े किस बात की यादगार है? देहबान की यादगार है। देह वस्त्र मानी गई है। तो शंकर जब संपन्न स्टेज में पहुंचता है तो जैसे शरीर रूपी देहबान के वस्त्र है ही नहीं, ऐसी स्टेज धारण कर लेता है। निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, इसलिए उसको वस्त्र नहीं दिखाए हैं, लंगोट भी नहीं दिखाया। तो ठीक दिखाया या गलत दिखाया? ठीक ही दिखाया। और सर, भगवान परमात्मा सर्वात्माओं का पिता है। सर्वात्माओं का पिता यानी जो धर्म रूप है उनका भी पिता है। हाँ? अगर परमात्मा सर्वात्माओं का पिता है तो ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा की आत्मा परमात्मा के काम में इंटरफेयर क्यों करती है? क्या आने की गलत है उनको उनके इसमें शरीर छोड़ने के बाद? ठीक है, जो भी धर्म वाले इस समय दुनिया में मौजूद हैं उन धर्म वालों के बीच में मातृदेश कौन सा गाया हुआ है? जो एक ही देश है भारत, मात्र देश गाया हुआ है। और बौद्धिकता की दृष्टि से देखा जाए तो भारत की माताएं ज्यादा तमोप्रधान दुखी हो गई हैं या पिताएं दुखी हो गए हैं ज्यादा? ये दुखी होना तामसी होना, जैसे गीता में बोला है यस्मान्योद्विजते लोको लोकान्योद्विजते चय, जो दुनिया के लोगों को उद्वेग दुख पैदा नहीं करता है और दुनिया के लोगों से दुखी भी नहीं होता है वो ही सात्विक है आत्मा। तो भारत की माताएं अज्ञान होने के कारण बहुत दुखी हैं या दुखी अनुभव करती हैं। अगर उनमें ज्ञान का लेश भी आ जाए, माना मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं, तो दुख समाप्त होने लगे। और उन माताओं के बीच में भारत की सबसे बड़ी माता वर्तमान में कौन है? हैं? ब्रह्मा बाबा। और ब्रह्मा बाबा प्रैक्टिकल में अभी पार्ट बजा रहा है या हवा में ही है? है? प्रैक्टिकल में पार्ट भी बजाए रहा है।
उस सदा काल का पाठ मोस्टली गुलजार दादी में बजाए रहा है या रुद्रमाला के नंबरवार मणकों में बजाए रहा है? उन मणकों में अब्बल नंबर कौन है? है जगदम्बा। तो जगदम्बा सारे जगत की जो अम्बा कही गई है वो विदेश की है या भारत की है? है भारत है? विदेश की है तो भारत की, लेकिन विदेशियों से प्रभावित है सबसे ज्यादा या नहीं प्रभावित है? प्रभावित है। और प्रभावित बच्चा बुद्धि होता है या समझदार होता है? बच्चा बुद्धि सबसे समझदार वो प्रभावित होता है। तो ब्रह्मा की सोल कहो जगदम्बा कहो, बच्चा बुद्धि होने के कारण जैसे बच्चा है नहीं समझता है शिशु, माँ बाप उसे प्यार से गोद में लेते हैं वो उनकी आंख में उंगली डाल देता है, नाक नोच लेता है, बाल घसीट लेता है, करता है या नहीं करता है? तो यही कारण है बच्चा बुद्धि कृष्ण का, कृष्ण की सोल का। बच्चा बुद्धि होने के कारण वो बाप की बातों में भी इंटरफियर करता है। द्रौपदी से कहते कहावत बनी है, अरे 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 कोई गलती हो गया तो कहते अरे 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 तुम्हें सब ब्रह्म घोटाला किया। ब्रह्मा ने जितना घोटाला किया उतना घोटाला किसी ने नहीं किया। हाँ, इसलिए धब्बे भी चंद्रमा में दिखाई देते हैं या सूर्य में दिखाई देते हैं? चंद्रमा में धब्बे भी दिखाई देते हैं। चंद्रमा की पूजा होती है या ब्रह्मा विष्णु शंकर की ओ या विष्णु और शंकर की पूजा होती है? ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं होती? कोई गलती की क्या है? जरूर गलती की। शंकर और विष्णु को भगवान के रूप में याद करते हैं, ब्रह्मा को क्यों नहीं याद करते? कोई गलती क्या? गलती है, देखने में आई है? गलती तो बड़ी भारी हो गई। क्या गीता का भगवान स्वयं कृष्ण बन करके बैठ गया है? गीता माता का बच्चा, उस बच्चे को आज के भारत माताओं के जो भी बच्चे हैं उस कृष्ण को ही फॉलो कर रहे हैं। येन केन प्रकारेण पिता चला जाता है तो बच्चे सारी सत्ता माँ के हाथ में देते हैं या अपने हाथ में ले लेते हैं? माँ को अपने आर्डर में चलाते हैं या माँ के आर्डर में चलते हैं? तो बड़ी भारी भूल हो गई। समझ में आया? और हाँ, अगस्त्य वाणी में बाप दादा ने कहा है कि दृढ़ संकल्प के साथ हम बच्चों को आकार में उतरना है, तो नए साल में परिवर्तन लाना है। तो अब भारत में चार राज्यों में परिवर्तन हो गया, अरे भारत की बात छोड़ दो, बाहर की दुनिया की, ब्राह्मणों की दुनिया की बात लो ना। वो बाहर की दुनिया की गवर्नमेंट है, उनको भगवान मिला क्या? वो कहते हैं हमें भगवान मिल गया, और आप तो कहते हैं हमें भगवान मिला, तो परिवर्तन कौन होगा पहले? और हाँ,
बाबा हाँ बोला ना करेंसी फेल होगी है, करेंसी माना नोट फेल होने वाले हैं ना। हाँ हाँ तो गांधी तो गया है, गांधी माना भेद का गांधी ब्रह्मा बाबा था ना। हाँ तो वो तो शरीर छोड़ चुका। हाँ तो उसके गांधी जी के नोट सारे बंद हो जाएंगे क्या अभी अचानक? उनके शरीर छोड़ने के कारण बंद हो जाएंगे, करेंसी फेल होती अचानक होगी ना। हाँ हाँ तो वो तो गांधी माना गांधी के नोट है ना, जो नोट है उनमें गांधी जी का चित्र छाप दिया है। हाँ। क्योंकि पहले तीन शेरों का चित्र होता था, क्या वो तीन शेरों का चित्र अभी सूक्ष्म हो गया है तो, लेकिन देखने में नहीं आता। देखने में किसका चित्र आता? गांधी जी का चित्र आता। तो प्रत्यक्ष में साकार में भगवान कौन हो गया है? गांधी जी हो गया। त्रिमूर्ति शिव तो नहीं रहा। अब कहते हैं कि जो गांधी डुप्लीकेट भगवान है उसकी करेंसी फेल होने वाली है, तो ब्राह्मणों की दुनिया में इसका क्या नजारा देखने को मिल रहा है? है ब्रह्मा कुमारी आश्रम नहीं, पहले ब्रह्मा की आत्मा शरीर छोड़ने के बाद आवाज से पार्ट बजाती थी, वाणी चलाती थी, धीरे 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 वो आत्मा की शक्ति सूक्ष्म शरीर की शक्ति क्षीण होती गई, क्षीण होते होते साकार आवाज आकारी में बदलते बदलते बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। तो भूतों का रूप धारण करने में पहला कौन है ब्राह्मणों की दुनिया में? वो भूत ही खलास हो जाए, महाभूत खलास हो जाए, तो फिर छोटे छोटे जो भूत हैं तंग दुखी करने वाले वो समाप्त होंगे या नहीं होंगे? होंगे। अब ये तो सबको मालूम है, चिल्लाते चले आ रहे हैं ब्राह्मण, ज्ञान सूर्य प्रगटा ज्ञान अंधेर विनाश, चिल्ला रहे हैं कि नहीं? वर्षों से चिल्ला रहे हैं। तो आवाज पूरी होगी या नहीं होगी? हैं? ज्ञान सूर्य प्रकट होगा और जो अज्ञान अंधेरा लाने वाला चंद्रमा है उसका खात्मा हो जाएगा। तो ये भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट भी फेल होनी है। और तो नेहरू के नोट निकलेंगे हैं? नेहरू के आगे नोट निकलेंगे। नेहरू ने भी किसका दिया हुआ लिया था? है नेहरू को जो पद मिला वो किससे लिया? है अंग्रेजों से लिया। गांधी जी की कृपा से नहीं मिला? वो भी तो पक्का कांग्रेसी था, लेकिन वो तो पूर्व जन्म की बात है, इसलिए बोला है कि गांधी मरा राजकोट की ओर, गुजरात में कोई बड़े साहूकार कांग्रेसी के यहां जाके जन्म लिया। तो लिया या नहीं लिया? जो सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा है वो यज्ञ के आद का बड़ा कांग्रेसी था, ब्रह्मा से भी बड़ा कोई कांग्रेसी था है? नहीं था। फालतू की गांव गांव करके चला गया,
या सफल हो गया, फेल हो गया, फेल हो गया, उसको भी दूसरा जन्म मिलता है। एक को सूक्ष्म शरीर का जन्म, सूक्ष्म शरीर से प्रवेश होकर के पार्ट बजाता है, और दूसरा साकार शरीर से जन्म लेता है। ये दोनों में अंतर है। अब पुरुषार्थ सूक्ष्म शरीर से समाप्त होना अच्छा है या साकार शरीर से पुरुषार्थ समाप्त हो जाए, संपन्न बन जाए, वो अच्छा? इसी जन्म में इसी शरीर से सफलता प्राप्त हो तो दुनिया देखेगी, नहीं तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? कृष्ण की आत्मा सतयुग में जाके 16 कला संपूर्ण महाराज कुमार बनेगी। कौन देखेगा? एडवांस वाले देखेंगे इन आंखों से, बेसिक वाले देखेंगे इन आंखों से, है? दुनिया इन आंखों से देखेगी? देखेगी नहीं देखेगी? हाँ, गांधी जहां जन्म लेता है राजकोट में, किसके कोट में? राजाओं के कोट माने किला, जहां राजाओं का किला तैयार हो रहा, किला माने संगठन। दुनिया में राजाओं का बड़े से बड़ा किला संगठन कौन बनाता है? शिव बाप बनाते हैं माला, राजयोग सिखाकर राजाओं की माला बनाते हैं। उस माला का मुखिया कौन सी आत्मा? आराम वाली आत्मा, साकार शरीर से या सूक्ष्म शरीर से? आकारी शरीर से, साकारी शरीर से। उस साकारी शरीरधारी में बताया वो भी अभी कांग्रेसी है। क्या है? है काउ काउ काउ। कौए की तरह बहुत काउ काउ करता है। रिजल्ट, रिजल्ट कुछ आता है? नहीं आता है। भले तरीका मिल गया, कैसे रिजल्ट आएगा? है नहीं? विजयमाला का आह्वान करो। क्या? जो लंगड़े पने की आदत है, अवगुण है, वो खलास हो जाएगा। और लंगड़े में जो ज्ञान है, वो ज्ञान संग के रंग से अंधे को मिल जाएगा। फिर काव काव बंद हो जाएगी या कोयल बोलेगी? कौन बोलेगा? कौआ बोलेगा कि कोयल बोलेगी? कोयल की आवाज सब बड़े प्यार से सुनेंगे, कोई को अनिश्चय नहीं आएगा। अभी सुनते तो सब हैं, जैसे भक्ति मार्ग में बोलते थे सत्यवचन महाराज, सत्यवचन महाराज, ऐसे ब्रह्मा कुमारियां भी कहती हैं ज्ञान की बातें तो सब अच्छी हैं, फिर मानते हैं? ऐसे ही एडवांस में सुनते तो सब हैं, फिर मानते भी हैं या निश्चय बुद्धि होते रहते हैं? है, बीच बीच में निश्चय आता है या नहीं आता है? अनिश्चय आता है। तो इसे क्या साबित हुआ कि कांग्रेस की काउ काउ हो रही है या कोयल की मीठी आवाज आ रही है? हैं?
वैसे भी ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं। ब्रह्मा बाबा की भाषा बड़ी मीठी थी और ये तो बड़ी कर्कश आवाज है, दिल को चीर के रख देती है। तो कांग्रेसी आदमी भी था, कौन? नेहरू, हद का भी बेहद का भी, और अभी भी कांग्रेसी है, बेहद का कांग्रेसी। कौए की कांव कांव की रेस में सबसे आगे है और रिजल्ट रिजल्ट जीरो। तो ब्रह्मा बाबा भी कहां जन्म लिया है? कांग्रेसी के यहां जन्म लिया, तो वो भी क्या हो गया? वो भी कांग्रेसी हो गया। अब विजय होगी या नहीं होगी है? किसकी विजय होगी? कांग्रेसी की विजय होगी या जनता पार्टी की विजय होगी? जनता पार्टी किसे कहेंगे? जो बोल बोल बहुत करती हो, ज्ञान बहुत अच्छा सुनाती हो और प्रैक्टिकल जीवन में फेल देखने में आती हो। वैसे भी देखने में आता आया, जनता पार्टी का राज तो चला ना, उस राज में जनता पार्टी के भांति सब भ्रष्टाचारी साबित हुए या नहीं हुए? एक अटल बिहारी वाजपेयी को छोड़ करके ऐसे ही यहां भी है। ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में जो एडवांस पार्टी है उसके लिए भी बाबा ने बोल दिया, अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। एडवांस का शासन तंत्र अंदर वालों के हाथ में है या बाहर वालों के हाथ में है? अंदर वालों के हाथ में है, यथा राजा तथा प्रजा। तो नई दुनिया तो देखने में नहीं आ सकती, लेकिन जिसे ब्रह्मम वाक्यम कहा जाता है, जो ब्रह्म वाक्य है शिव के द्वारा बोले हुए हैं कि ब्रह्मा की आत्मा के द्वारा बोले हैं, शिव की आत्मा ने बोले हुए हैं, वो तो सच्चे साबित होंगे या झूठे साबित होंगे? सच्चे साबित होंगे, इसलिए इशारा दे दिया पहली अव्यक्त वाणी में, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का ये न रहे, अंत में विजय होनी है। जो विकारों पर विजय पाते जाएंगे उनकी विजय होगी या जो हार खाते जाएंगे उनकी विजय होगी? है रुद्रमाला में भी कोई ग्रुप निकलेगा विजय पाने वालों का, जो पहले विजय पाए है निकलेगा। तो बाहर की दुनिया में जो भी हो रहा है वो अंदर की दुनिया में भी दिखाई देना चाहिए ज्ञान की दृष्टि से। जैसे एडवांस की आदि में जनता पार्टी का जो परिवर्तन देखने में आया, उसका मुखिया कौन था? जय प्रकाश नारायण। कौन से स्टेट का था? कहां से निकला है? गुजरात से निकला। और एडवांस में भी गुजरात से निकला।
और उसका बड़ा सहयोगी कौन था? कृष्ण मुरारी देसाई। देसाई था, विदेशी था, हैं? देसाई। लेकिन एक डिफेक्ट था, क्या है? क्या था? हाँ, अपना मुंह तो पीता था। इस डिफेक्ट के कारण सारा चौपट हो गया। एक साल प्रभाव चला, फिर जनता पार्टी फेल हो गई। तो जनता पार्टी में भी, जनता पार्टी ज्ञान वाली पार्टी, रुद्रमाला को कहेंगे या विजयमाला को कहेंगे? रुद्रमाला को कहेंगे। रावण जिसमें ज्ञान बहुत था और चलन उल्टी थी, ज्ञान की धारणा नहीं थी, तो ज्ञानी कहेंगे असलियत में या बड़ा ज्ञानी कहेंगे? ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में, एडवांस पार्टी में, एडवांस पार्टी को अज्ञानी कहेंगे। टेढ़ी नजर से क्यों देख रहे हैं भाई? अज्ञानी कहेंगे या ज्ञानी कहेंगे? हैं? अज्ञानी ही कहेंगे। तो विजयमाला निकलेगी, एडवांस ज्ञान को धारण करेगी, तो असली ज्ञानी विजयमाला हुई या रुद्रमाला हुई? विजयमाला हुई। और पहले तो एडवांस पार्टी को जनता पार्टी बोलते थे। हाँ, अब उसको कांग्रेसी, तो अब ये भी कांग्रेसी हो गए। हाँ, तो कांग्रेसी खत्म हो गए ना अभी? कांग्रेसी अभी पूरे कहाँ खत्म हुए? अभी तो जो अन्ना हजारे की तैयारी की हुई पार्टी है, आंध्रा में अन्नैया मालूम किसे कहते हैं? है? अन्नैया किसे कहते हैं? बड़े भाई को। एडवांस पार्टी में भी बड़ा भाई कौन है? दादा। किसकी दादागिरी चलनी चाहिए? है? बड़े भाई की दादागिरी चलनी चाहिए। बाप तो गुप्त है। गुप्त है या प्रत्यक्ष है? गुप्त है। और दादा तो गुप्त नहीं है। तो जो गुप्त नहीं है वो सबकी आंखों में प्रत्यक्ष है। लेकिन महाकाली के रूप में प्रत्यक्ष होगा कि महागौरी के रूप में प्रत्यक्ष होगा? महाकाली क्या करती है? हैं? किसकी मारकाट मचाती है? असुरों की। और बाहर की दुनिया में देखें, बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में देखें, एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में देखें, कोई देवता बना? हाँ, सब असुर हैं कि देवता भी है कोई? है? सब असुर हैं। तो सबकी मार काट करेगी या नहीं करेगी? है? कोई बचेगा नहीं? है? है? एक क्यों बचेगा? है? जो एक बचेगा वो नजरों से दिखाई नहीं पड़ेगा उसको? है? दिखाई पड़ेगा? है? दिखाई पड़ेगा या नहीं दिखाई पड़ेगा? दिखाई पड़ेगा। शास्त्रों में ऐसा गायन है कि दिखाई पड़ा,
है? जीव निकालती है ना। हाँ जीव निकालती तो क्यों जीव निकालती है? भैया क्यों निकालती है? भूल हो गई ना, पहचान नहीं पाया ना। कहाँ पहचाना? अगर पहचाना होता तो छाती पे लात क्यों रखती? नहीं पहचाना तो जो गुप्त है सबको अनिश्चय बुद्धि में ला देता है अपने विचित्र पार्ट के कारण। कैसा पार्ट? कौन सा फल प्रसिद्ध है? है नारियल। रियल है कि नारियल है पार्ट? है जो पार्ट वो बजाता है, जिसकी यादगार शिव के मंदिरों में रखी हुई है, कोणार्क मंदिर के बाहर देवताओं की वो यादगार दिखाई गई है, वो रियल पार्ट है या अनरियल है? है हाँ, वो नारियल पार्ट है। नारियल एक है या अनेक है? है वो नारियल कहाँ पैदा होते हैं? है अरे नॉर्थ इंडिया में पैदा होते हैं या साउथ इंडिया में? तो उस नारियल का प्रत्यक्षता रूपी जन्म कहाँ होता है? है पहले विदेश में, भारत के विदेश में होता है या स्वदेश में होता है? पहले भारत में होता है, दक्षिण भारत में। भले बेचारे भाषा भी नहीं जानते हैं तो भी भगवान बाप को पहचान लेते हैं। तो कहाँ जन्म होता है? है दक्षिण भारत। कौन से फल का? नारियल का। बाहर से देखेंगे तो बड़ी उलझी उलझी जटाएं हैं। नारियल की जटाएं कैसी होती हैं? हैं? उलझी या सुलझी हुई? बड़ी उलझी उलझी जटाएं हैं। बाबा भी मुरली में बोल देते हैं, ये ज्ञान बड़ा टपटा खटपटा चटपटा है। तो उलझी जटाएं हैं, जब ज्ञान गंगा निकलती है तो गंगा के शुद्ध जल से वो जटाएं भी सुलझ जाती है। वो ज्ञान गंगा सिर्फ है रुद्रमाला में जो सन्यासी हैं, सन्यास धर्म की आत्माएं हैं, वो ही है या कोई और भी ज्ञान गंगाएं हैं? उनसे भी ज्यादा पक्के सन्यासी है? अरे रुद्रमाला में जो सन्यास धर्म की आत्माएं हैं और उनकी हेड गंगा है, मुखिया भीष्म पितामह है, वो ही असली सन्यासी हैं या उनसे भी बड़े पक्के कोई सन्यासी हैं, पक्के और सच्चे हैं? हाँ विजयमाला। वो विजयमाला में अच्छे अच्छे सन्यासी हैं, बेहद के या हद के? हैं बेहद के सन्यासी निकलेंगे। उनकी यादगार क्या है? उन बेहद के सन्यासियों की कोई यादगार है चित्रों में? अरे क्या ना, वो भगीरथ से तो गंगा निकली, यहां तो विजयमाला की बात हो रही है अभी है। अरे वैष्णवी देवी, उसके हाथ में, बुद्ध रूपी हाथ में कमल का फूल है या नहीं है?
किस बात की यादगार है? हैं? हाँ, वो ऐसी पवित्रता की यादगार है जो सन्यासियों में नहीं है। सन्यासी प्रैक्टिकल जीवन में कीचड़ की दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं जंगलों में, तब पवित्र रहते हैं। और वो कैसे पवित्र बन करके दिखाएगी? हैं? ऐसा पवित्र बन करके दिखाएगी जो बाबा तुम बच्चों का टाइटल देते हैं, तुम सब पार्वतियां हो, जिनकी यादगार शिव के मंदिर में रखी हुई है। बुद्धियोग से उपराम है या देह के सुख लेने वाली है? हैं? देह का सुख लेने वाली नहीं है, उपराम है, पवित्र है। आत्मा पवित्र है या अपवित्र है? पवित्र है, इसलिए पूजा होती है। पूजा अपवित्र की होती है या पवित्र की होती है? पवित्र की पूजा होती है। ओम शांति।